साले इसी तार में से कुंडा मार दूंगा, वरना जितना बिल आ रहा है कौन भरेगा यार, इतना बिजली का बिल आने तो है। लेकिन अभी नहीं मारूंगा, अभी रमजान चलने चोरी करने और गुना मिलेगा मेरे बेटे, रमजानों के बाद मारूंगा। एक दफा ईद गुजर जाए, ईद का दिन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटो, कल चाहे तुम लोग अब ठीक ठाक कैसे, बोले हम लोग कराची और जीरो दोबारा तुम्हारी खिदमत में हाजिर, कैसे जा रहे तुम लोग के रोटे, एक अच्छा गुजर के पट्टा भी नहीं चला, बताओ जरा तेरवा रो रहा है यार है नहीं, और बताओ तुम लोग मजा आ रहा नहीं आ रहा है। अरे रोते हैं बेटा, गुना गुना कह रहा हूँ, स्वभाव कमाओ मेरे बेटा, गुना तो पूरे साल ही करते हो। एक तो टीवी का सिग्नल भी सही नहीं आ रहा है एंटी ना साला, इतनी बड़ी एलसीडी लगाने का फायदा भी क्या जब उस पर केबल चलानी है, साला एंड्रॉयड डिवाइस लेके आनी पड़ेगी, उसी में जो है फिर मैं अपने ड्रामे वड्रामे देख सकूँगा। हाँ आज काम बहुत है। अरे एक तो ये बुकला वह पागल हो गया, नफसियाती हो गया ये जोसेफ, इसका मैं करूँ तो करूँ क्या। आई अशोक क्या कर रहा मेरा बेटे, किधर हो? अरे ये ना किधर, अरे ये नीचे देख ना, नीचे किधर क्या, अरे यार रुक जा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो भाई क्या हाल चाल है, तुम लोग सब ठीक ठाक है? मैंने आज मैं तुम लोग को क्रैश गेम के बारे में बताना चाह रहा हूँ, और ये जो है ना मेलबेल्ट इसमें मेरी मदद करेगा, क्योंकि उन्होंने फौरी नतीज के साथ अपना एक नया गेम बनाया। तो आओ खेलें और इसे देखते हैं कि हम कितने पैसे इससे जीत सकते हैं। मैं इसमें 1000 रुपये लगाना चाह रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं कई गुना ज़्यादा जीत सकता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर जो है इंतज़ार करना है, मैं जितना ज़्यादा इंतज़ार करूँगा जीतने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके मैंने तकरीबन 4x रकम जीत ली है आज, मैं वाकई भाई मेरा नसीब ना चमक रहा है। तो अगर तुम लोग भी खेलना चाहते हो तो मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन कर दिया, तो वहाँ जाके रजिस्टर करना, रजिस्टर करते वक्त मेरा कोड साइनअप कोड यूज़ करना मत भूलना, SHAD, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा SHAD2। जब तुम लोग इससे रजिस्टर करोगे मेरा कोड डाल के, तुम लोग को 20,000 तक का बोनस मिल सकता है। तो जाओ अभी जाके भाई अपनी किस्मत आजमाओ। नफसियाती हो गया यार वो साला, उसका सोने का भी कुछ पता नहीं चला। एक तो अरे यार एक तो ये रॉन, इसी को तो देख रहा हूँ ये साला करता क्या रहता है। अरे तू करता क्या मेरे बेटे, अरे बोला बोला, ये बोलता नहीं है यही करता है, गूंगा है, ज़बान खराब है इसकी। मैं तो पहली बार इसकी ऐसी आवाज़ सुनी है। अरे रॉन क्या हाल है बेटा, रमजान है रोजे में हूँ, गंदी गंदी बातें निकालो, गंदी गंदी बातें नहीं निकालो। अरे भाई तुम इधर आओ, अरे लांटी को दफा करो, कैसे बैठा मेरे बेटे, ये सोफा तो सीधा कर ले। अबे क्या सीधा कर लूँ, क्या हो मेरे बेटे, माइकल भाई का कॉल वाला आया क्या? नहीं अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया मेरे बेटे। तू क्या कर रहा है, तेरा रोजा है ना? तो रोजा तो है यार। तू इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गया? सोया ही कहाँ जो सुबह उठ गया, साले शहरी से जाग रहा हूँ मैं। अरे क्यों मेरे बेटे, नींद नहीं आ रही, टेंशन साली दिमाग पे घूमे जा रही है वो मेरे। अरे यार माइकल कट तो रहा, तू सबट करना साली को खोद के निकालेंगे मेरे बेटे। हाँ शुक्र है तेरी जबान कल्टी तो खाई। हाँ शुक्र शुक्र मेरे बेटे, चलो। अरे शुक्र है भाई, एक तो दरवाज़ा खोलते हुए ना डर लगता है, साला था ड्राइवर ना बैठा हुआ। लेकिन मैं घर में क्यों आ गया, मैं तो व्हाट्सएप जा रहा था मेरे बेटे। हाँ लांटी, चलो तुम लोग को गाड़ी दिखाऊँ, वो देख रहा हूँ वो जो कबाड़ आया, उसको इतना सीधा कर दिया, उस पर अस्टर वस्टर लगा दिया, डेंटिंग पेंटिंग कर दी, इंजन का काम भी तकरीबन हो गया है। ये फारूक अभी उसी में लगा पड़ा, ये सलीम क्या वेल्ड करने में लगा हुआ है। सलीम अमली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बाली। वालेकुम अस्सलाम, क्या बना इसका? बाली बस ये सेट कर दिया मैंने, तुम ट्राई मार के और थोड़ी सी मिसिंग कर रही है यार ये, मार ले। सलीम तेरे को मैंने बोला था इसकी विंडशील्ड दरवाजे। बाली वो बंदा ही नहीं आया अभी तक, ये तू काट क्या रहा बाली, ये लिफ्टर पे गाड़ी उठाई थी, लिफ्टर यहाँ से जोड़ मार रहा है, हिल रहा है, तो मैं इसको वेल्ड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा कट सामान्य बंदे फोन करने दे मेरे को, उसको तो मैं इसकी वाट मार देगा, बोल रहा सुबह 12 बजे सामान पहुँच देगा, 12:30 हो रहे, पूछ पूछ इसको। हेलो वालेकुम, क्या हाल है चाचा बाली? वालेकुम अस्सलाम, ये टॉपिक का नाम नहीं करो, सामान किधर है गाड़ी का? बोल बोल तुम्हारे पास ना कल सुबह तक पहुंच जाएगा। तुमने मेरे को परसों कहा था आज सुबह, आज बोल रहे तुम कल सुबह, देखो सामान देना दो वरना मेरा 10,000 रुपया वापसी करो। अभी बोल दिया ना तुम्हारी डिग्गी का मसला आ गया था, वो आ नहीं रही थी तो इस वजह से। हाँ तो जो आया वो तो भेजा। अभी भाई एक साथ भेज दूंगा वरना मेरे किराया बहुत लग जाएगा ना। चाले अगर कल सुबह नहीं मिला ना तेरे घर पे आके चाले 10,000 रुपये की स्टडी करूंगा, 10,000 रुपये लेकर भी जाऊंगा। अभी नहीं कल मिल जाएगा बाबा, 1-2 बजे तक पहुँच जाएगा। ठीक है मेरे बेटे, क्या हो वाली? कल का बोल रहा है यार। वाली तुम इसकी ट्राई मार के आओ मेरे भाई, ट्राई मार के आओ।
बार। अबे यार सलीम तूने इसके बड़ा खड्डे नहीं फिल कर रहे यार, ये पॉलीकेट लगाना इसको सीधा करना, देख तकरीबन हो ही गई है। हाँ वाली ये मैंने इसको बोला था, कह रहा वेल्ड करके करता हूँ। हाँ वाली खबर कर लो, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, इंसान हूँ मैं। आज जल्दी कर इसके खड्डे वड्डे फिल कर, साले इसको रगड़ाई करी तो पता चला इस पर गोलियों के निशान भी मेरे बेटे। पता नहीं है तो वही बताएगा जिसकी गाड़ी है मेरे भाई। आ गया तो है, जा तू चेक कर, क्या मैंने तकरीबन सेट कर दिया, बताइयो मिसिंग कर रही है कि नहीं। ना ना ठा चलते ना, चल वाली आ जा चेक कर क्या है, पेट्रोल है। हाँ वाली भी सुबह ही डाला है जंबो बोतल, आ जा बैठ। खर्चा विचका इसका लिखते रहे ना तुम लोग। आप आ रो, आ रहा हूँ वाली, इधर से आ बैठ। आ गया गया वाली। वाली यार ये स्टेफनियों का किराया बढ़ता जा रहा, उस लांटी को बोल पंचर वाले को एक साथ ही ले लियो। अरे ये क्या आंटी बेहोश हो गई मेरे बेटे? आंटी नहीं है ये तो लटका है मेरे बेटे। अरे रोजा तो नहीं लग गया उसको? पता नहीं मेरे भाई। हेलो, ओ भाई कौन है ये, इसको बोल कर जाके तो है। और लांटी मेरा बेटा थोड़ी लगता है, छोड़ मेरे बेटे आजा बैठ। पता नहीं क्या सीन हो, अबे वाली रोजे में बेहोश हुआ होगा मेरे भाई। अच्छा अच्छा तू बैठ यार, रोजे में बेहोश पता नहीं हुआ भी है कि नहीं, खून लगा वहाँ पर। ये स्लिप क्यों मार रही है? चल तो सही रही है मेरे बेटे। हाँ वाली अब सही रिजल्ट बता रही है ये वैसे कुछ। ये आवाज़ क्या कर रही है यार? पता नहीं वाली, मेरे को लग रही है पीछे से आवाज़ आ रहा है कुछ इसमें टायर में से। हाँ मेरे को लग रहा है ये स्लिप मार रही है। इसका पिछला टायर खोलो, कोई भंडा पिछले टायर में। गेट कैसे घूम रही है? जैसे मैं गेयर शिफ्ट कर रहा हूँ ना उधर उधर जा रही है। हाँ वाली जा तो रही है ये, मेरा ख्याल तो इसका बैरिंग वायरिंग टूट गया। और इसका ये ड्रम व्रम भी चेक करो, गाड़ी उधर भाग रही है पीछे से। रेड व्हील गाड़ी है मेरे बेटे, ये खतरनाक हो जाएगा। तकरीबन तो सीधी हो ही गई है वाली। अरे ब्रेक साले, ब्रेक कौन लगाएगा इसमें? वाली अभी तो मैंने ब्रेक एयर निकाली है, कड्डू हैंड ब्रेक उठाया मैंने तो रुकी है। सॉरी वाली फारूक, ढंग के काम कर ले, चेक कर ले, उसके बाद मेरे को ड्राइव पे भेज। सॉरी वाली, मैं तूने वहाँ रोकी थी बंदे के पास जब बेहोश पड़ा हुआ था, वहाँ लग गया था मेरे बेटे। यहाँ स्पीड में नहीं लग रहा, ये हल्के में लग रहा है। फिर दोबारा चेक करता हूँ। ना ना मेरे बेटे, ब्रेक बहुत इसका वीक है, ब्रेक सही करो उसका। और उस बंदे से बोलो कि 2 लाख रुपये और भेजे। हैं 2 लाख रुपये का बात की? ये कलर जो करना है इसको, भट्टी लेकर जाना है, सामान के पैसे देने, खाली 90,000 रुपये का उसको खाली डरवा दे बोनट। और अरे क्या करना है मेरे बेटे? और ये लाइटें वाइटें आएंगी इसकी, कलर पे जाएगी, डेंटिंग पेंटिंग हो गए। हाँ वाली मैं बोलता हूँ, मैं उसका फ़ोन करता हूँ। उसका पिछला व्हील खोलो। हाँ वाली क्या रिजल्ट दे रही है? अरे ब्रेक नहीं है, गाड़ी चल तो सही रही है बेटे फारूक अभी। हाँ वाली मैं यही तो तेरे वो कह रहा था, गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। ये माइकल क्यों याद कर रहा है? हेलो हाँ मेरे बेटे, आज अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या खैरियत की बातें हैं? अंडर बार हो गया क्या? अब फिर बकवास। ओह सॉरी मेरे बेटे। हाँ बोलो कैसे याद किया? यार एक बात बताओ, तुम्हारे मतलब का काम आया हुआ है मेरे पास? है काम मेरे मतलब का? चोरी चकारी नहीं करनी मेरे बेटे, अभी रमजान है, रमजान है। नहीं नहीं चोरी चकारी का काम नहीं है, ये वर्कशॉप का काम है। हाँ वर्कशॉप का काम है, पार्टनरशिप करोगे मेरे साथ? पार्टनरशिप? अरे मेरी तो लेने के छोटी सी दुकान है, इसमें क्या पार्टनरशिप करूँ मेरे बेटे? अबे ये छोटी दुकान नहीं, मैं तुम्हें बड़ी दुकान दे रहा हूँ ना, लेकिन 50-50 करेंगे। हैं बड़ी दुकान? कौन सी बड़ी दुकान? तुम हो किधर? मैं तो अपनी दुकान पर। चलो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिर अपन मिलके बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ वाली? माइकल का फ़ोन आया, कह रहा पार्टनरशिप कर लो। हैं इतनी ये इतनी छोटी दुकान है, क्या पार्टनरशिप कर लो माइकल भाई को? क्या यही काम रहेगी अब? अरे नहीं कह रहा, कोई बड़ी दुकान है उसके पास। हैं हाँ बोल रहे 50-50। हैं ये क्या बात हुई? हाँ पता नहीं, मैं आ रहा है वो, फिर बात करते हैं। अच्छा तुम इसका टायर खोलो, सही करो, टाइम क्या हो गया? अरे मेरे बेटे अपना 1 बजने वाला है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे वजू कर रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मैं इमाम साहब से, फिर बैठ के थोड़ा वो दर्श भी लेता हूँ ना मेरे बेटे। तू वाला मॉल भी बन रहा है मेरे? नहीं ना, रमजान है, दीन की तरफ भी थोड़ा निगाह दे रहा हूँ ना। वेरी गुड वाली, वेरी गुड। मुझे शबाना याद आ गई, मुझे मेरे बड़े भैया याद आ गया। क्यों मेरे बेटे? हमारे बड़े भैया बोला करते थे, वो हर रोज़ जुम्मे की नमाज के बाद ना, खुतबे के बाद और नमाज़ पढ़ाने के बाद दरस देते थे 3 घंटे का। है 3 घंटे का? हाँ वाली, दीन की बातें बताते थे। और तेरे को शबाना क्यों याद आई? वाली शबाना जब नमाज़ पढ़ती थी बहुत खूबसूरत लगती थी। अच्छा कर यार, और तुम लोग बिठा लो ये, आधे घंटे के लिए दुकान बंद करो, नमाज़ पढ़ने जाओ। हाँ ठीक है वाली।
चलो यार मैं जरा नमाज पढ़ लूँ, तू कहाँ जा मेरे पीछे? वाली मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ ना, मैं और तू पढ़ के आएंगे सर, फिर अपन दोनों दुकान बैठेंगे, सलीम भाई भी पढ़ के आ जाएंगे। हाँ ये भी सही, आ जाओ भाई। अशरफ तो बेटा यहीं खड़ा भाई, ये कहाँ गया? जगह जुगो। कौन जगह जुगूँ? अरे ये रॉन पता नहीं, चला नमाज पढ़ने चले, आ रहा हूँ। आ जा आ जा नमाज पढ़ बेटा, दिल हल्का होगा। ओ सैंडी शोर देख, तो इतना लंबा सफ़र है ना, कमर टेढ़ी हो जाती है। तो अच्छा मैं ये गाड़ी ले आया, सड़कों के लिए ना ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। चल भाई मिलने ज़रा मुलाकात करूँ। और भाई सलीम भाई कौन है? अबे मैं हूँ, अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, लिफ्टर यहाँ का जोड़ खुल रहा था, वेल्ड कर रहा हूँ। कहाँ है चाचा? कहाँ है? वो नमाज़ पढ़ने गया है वो फारूक भाई, तुम नहीं गए? वो आएंगे तो मैं जाऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और यूसुफ वो भी नमाज़ पढ़ने गया है? अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ ना अंदर से आ रहा हूँ। ओके। गर्मी कैसी हो रही है यार, ख़तरनाक गर्मी हो रही है, ख़तरनाक। अबे यूसुफ तो यहीं बैठा हुआ है। ओए यूसुफ। हाँ माइकल भाई। तो अबे तू तो नमाज़ पढ़ने गया था? गर्मी पड़ ली यार मैंने। कुछ पता चला क्या? नहीं यार कुछ पता तो नहीं लगा अभी तक, लेकिन पता लगा रहा हूँ, थोड़ा सब्र कर। अबे कितना सब्र करूँ यार माइकल भाई, मेरे सर पे खून सवार है, रमज़ान है अभी, खून थोड़ी कर सकते हैं। जो भी है लेकिन उसका पकड़ गया साली को, कोई भी सुराख नहीं मिला? नहीं रमज़ान के बाद मिलता यार। अबे यार मतलब कोई सबूत? नहीं वो भी नहीं मिला अभी तक, तू टेंशन नहीं ले, उनके नंबर ट्रेस नहीं हुए। 7 नंबर तूने दिए थे, उसमें से एक तो लंदन में ट्रेस हो रहा था भाई। ए किसका? पता नहीं कोई जैज़ वाला था। जैज़ के तो सबके थे, अब याद नहीं है यार मुझे कि कौन सा नंबर था कौन सा नहीं। तुम यहाँ क्या करना है? वो चाचा से काम था यार एक वर्कशॉप का, तो उस हिसाब से आया हूँ। एक वर्कशॉप मिली है तो मैंने सोचा चाचा को दिखा दूँ, काम वाम कर लेंगे साथ में। वाह भाई वाह, कहाँ आया नहीं अभी तक? नमाज़ पढ़ने गया हुआ, आ रहे हैं वो दोनों। चलो रोज़ा है तुम्हारा? हाँ रोज़ा है भाई। अफ्तारी भी करा दो, इसी बात पे शर्म तो आनी रही तुम्हें। सब्र कर ले अभी ख़त्म थोड़ी हुए हैं, कोई फ़ोन भी सवार हुआ हुआ, अफ्तारी भी करनी है नहीं अत्ते को। कहाँ रह गया यार, क्या टाइम हो रहा है? बस 1:30 तो बज रहा है। और कब तक आएगा ये? आने वाला होगा। क्या टाइम हो रहा है? 1:28। बस आने वाला होगा, आने वाला होगा। गाड़ी तो तुम काफ़ी सही होगा यार, ये वही वाली है ना ठाटरा? हाँ बिल्कुल। चलो आने दो, आ जा यार। अबे वाली गर्मी कैसी हो रही है यार, अरे क्या कर रहे हैं नमाज बजट भी तो इतने दूर है यार। वे वाली यार कल से गाड़ी या बाइक पे चलेंगे मेरे भाई, मैं सोच रहा हूँ 150 तैयार करवा लूँ, करीब सामान जना लगाने के लिए। सही है मेरे बेटे। हाँ वाली करवा लेना यार, कहीं आना जाना हो करीब में बाइक पे ही चला जाए बंदा। हाँ आ जा। तो साला माइकल कहाँ रह गया बेटा, आया नहीं यार? अरे अरे वो लैंड क्रूजर, वो रेंज रोवर आई हुई है। अबे आ गए तुम? अरे चलिए मेरा रेंज रोवर। माइकल भाई की है। अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा और सुना मेरे बेटे कैसा ना हो? अबे तुमने इतना टाइम लगा दिया यार, 1 बजे से आया हूँ। झूठ नहीं बोलो रोज़ में। तुम 1:20 पे शायद मेरे पास आए होगे। चाले झूठे, अभी टाइम देखो क्या हो रहा है। 2 बजे तो नमाज पढ़ने गया बेटा, मौलवी साहब का डरस भी सुनना होता, 1.5 घंटे का तू डरस होता बीच में छोड़ के। हाँ डरस मठ ढान लेटा है। खैर तुम बताओ। चाचा यार एक वर्कशॉप मिली है फ्री की। हाँ फ्री की भाई मतलब समझ लो पैसों की, एक बंदे से पैसे लेने थे, उसने उसी वर्कशॉप पे लगाए थे वो वर्कशॉप, फिर उसने मुझे पैसे देने थे, और वो वर्कशॉप जो है वो 20% पे देता अगर चलती तो। वो वर्कशॉप चली नहीं और अभी कोई पिछले 5 महीने से बंद पड़ी हुई थी, काम वाम हो नहीं रहा तो बंद हो गई थी, वो हालत बुरी है। तो मैंने सोचा, उसने मुझे वर्कशॉप भी दे दी, पैसे तो दिए नहीं, जगह अपनी है ख़रीदी हुई है और सामान वामान भी है जगह में, हालत बहुत बुरी हुई है। बट जैसे कि माना जाए तो हालत क्या बोल रही है मेरे बेटे? है किधर ये तो बताओ। शहर में सिटी में यार, वो किसका घर है, शकील के घर से थोड़ा सा आगे है, और शकील बुड्ढा, शकील बुड्ढा, हाँ शकील बुड्ढे के घर से थोड़ा सा आगे है, उसी से बस। मैं तो बोल रहा हूँ चल के देख लो, फिर उस हिसाब से बातचीत कर लेते हैं क्या सीन है। तो फिर हम इस वर्कशॉप का क्या करेंगे, ये बंद कर देंगे और क्या? लेकिन पहले चलो चल के देख लेते हैं, तुम क्या परसेंटेज का लोगे, तुम चला लोगे? और चलाएंगे क्यों नहीं, ये देखो ना ये कोई वर्कशॉप है, खोल के बैठे चली ना मेरे बेटे। हाँ ये तो है। तो बस यही है मेरे बेटे, फिर यहाँ के लोग कस्टमर आएंगे गाड़ियाँ बनवाने, यहाँ पे भी मैंने अच्छे खासे कस्टमर बनवा ही लिए मैं से देखा जाए तो। चलो फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। चल ठीक है सलीम, तू यहीं रुक जाना। बस कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया, क्या हो गया, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ कहीं जा रहे हम लोग।
चल रहा है। चलो यार बोरी हो रहा हूँ मैं, तू सलीम के दादा दुकान पे बैठ जाना मैडम। नहीं बाली, तुम लोग चले जाओ, मैं संभाल लूँगा। मैं जब तक इसकी डेंटिंग पेंटिंग करना शुरू कर दूंगा। कोई गाड़ी आए तो देख लियो, ठीक है मैडम बेटे? हाँ भाली, अफ्तारी के लिए लेते आना अगर कुछ लेट हो जाए तो। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ। ये लैंड रोवर किसके लिए आया? ये एक दोस्त की, आ जाओ। तेरी अपनी गाड़ियाँ किधर हैं? अबे तुम बैठो ना यार, आ जा वाली। आई राउंड साले, तू बता था क्या बात को मेरे को, है किधर? शहर में। कहाँ जा रहे हो? वर्कशॉप दिखाने लेके जा रहा हूँ यार। जैसे यूसुफ की नहीं थी, सेम डिट्टो ऐसी ही है। मेरी तो नहीं है कहीं वो वाली जो छीनी थी? नहीं नहीं वो वाली नहीं है। मैं क्या कर रहा है भाई, पीछा कर ले मेरे बेटे, पीछा कर ले, ये जाहिल लोग हैं। अबे तेरी तो साले, तेरी रोटा रोटा छोड़ 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 रोटे, मैं गुस्सा नहीं करते छोटे छोटे। तुमने बोल दिया वरना बताता मैं इसको, अंधों की तरह गाड़ी चला रहा है। छोड़ो माइकल में छोड़ो, बैठना ठाले लड़की बार है, बैठ तू साला लुटेरा है। नहीं लुटेरा तो लूटने वाले होते हैं, और सॉरी लुटा हुआ। हाँ ये सही है, चुप कर जा, बकवास नहीं कर, साला चूना लग गया। अच्छा किसकी वर्कशॉप है माइकल में? तो आप पहले तो ही देगी। अरे वो बता रहा है कि वो जो है ना, मैं नेटू बोल रहे, मैं बोलता बुरा लग रहा हूँ। अच्छा वाली तू बोल, नहीं नेटू बोल। अच्छा ना वाली, नहीं बोल लेना। अच्छा ना वाली, मैं बोल लेता हूँ। अरे आंटी कैसा है यार तू, तो क्या कर रहे लोग? अरे ये साले अनाड़ी हुआ है, मैं सबको रोटे लगा रहे हैं। यूसुफ भाई ऐसा हुआ है कि माइकल भाई को एक बंदे से पैसे ले लेते, तो उनको उनकी वर्कशॉप दे दी उस बंदे ने। वाह भाई वाह। हाँ वो काफ़ी टाइम से बंद भी पड़ी हुई थी। चाचा आजकल इसी फील्ड में है, तो मैंने सोचा इनसे बात कर लूँ। ये बात तो मुझसे भी कर सकते थे, कई बात को कर सकते हैं साले, टूटा भी दिल टूटा हुआ लेके बैठा हुआ है, बातें कर रहा है मेरे आगे। ये तो है यार यूसुफ, तेरा तो दिमाग ही कहीं लौर लगा हुआ है, अभी तू क्या कद्दू संभाल पाएगा? मैं भी लगी जाऊंगा उसी वर्कशॉप पे। हाँ लग जाइए, अच्छा तेरा दिमाग निकलेगा कहीं और से। लेकिन चाचा मैं शादीशुदा इंसान हूँ यार, मेरे को तो नहीं लगा कि तुम्हारा निकाह हुआ भी था कि नहीं। आठ साल से अगर बेगम को देखा नहीं ना, तो निकाह खराब हो और टूट जाता है। अपने पास सुना ना, वाकई मैंने ऐसा सुना है कि आठ साल से अगर मुलाकात ना हो तो निकाह टूट जाता। ऐसे जो बार है तभी तो वो दो दो तीन तीन साल बाद आ जाते हैं कि निकाह दोबारा रिपीट हो जाए कुछ भी। अरे नहीं मैंने वाकई में सुना है, समझ लो बेटे। हाँ वाली ये सब वो बोल तो सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भैया ने भी ऐसा ही किया था। मेरे भाई हैं? हाँ ना, हमारे बड़े भैया ने एक भाभी से दो निकाह किए थे। क्या? हमारे बड़े भैया ने निकाह किया, उसके बाद वो चले गए थे। फिर वो 10 साल के बाद आए तो किसी मौलवी ने बताया उनका निकाह ख़राब हो गया, तो उन्होंने फिर निकाह किया। देखा देखा देखा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना मेरे बेटे, अपने पास से कुछ भी बोल रहा है। अरे नहीं वाकई में यार। अच्छा ये तो पता है कितने दूर? बस करीब में ही है। करीब में तो हाँ, टूटा बटा साले शक्ल बुड्ढे घर के पास है। मैं बता रहा हूँ ना। अबे वाली, लेकिन हमें सैंडी चौर से यहाँ आना जाना बहुत अजाब हो जाएगा मेरे भाई। ये तो तू बात सही कर रहा है, फिर ये माइकल ही कोई दिलाएगा ना घर वगैरह। मैं क्यों दिलाऊंगा? अच्छा तेरी वर्कशॉप संभालने का हम यहाँ आएंगे तो घर भी तो तू ही दिलाएगा। चल बे चल। वाह अरे वाह, ये किसकी फटी क्या? ये तुम्हारी खुद की फटी है, वर्कशॉप दे रहा हूँ घर भी दूँ तुम्हें। अच्छा परसेंट टेस्ट तो बटा 50-50 कड्डू मेरा 50-50 साले 20%। क्या जा रहा रॉन्ग में तू? 20% उससे ले रहा जिसको तूने पैसे दिए थे हमसे 50-50। वाह रे वाह। चलो वो तो देख के बात कर लेंगे ना। हाँ वो तो बात कर ही लेंगे। चलो ये रही। ये वाला कोने वाला? हाँ। अबे ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। अबे मैंने ही पैसे दिए थे जिसको देना था। ये वाला? अरे वाह, वर्कशॉप तो टाइट लग रहा है मेरे बेटे। आ जा भाई, ये देखो ये वर्कशॉप है। यहाँ से खुला रहता है? नहीं वो दरवाजे लगे हुए थे, वो शार्ट हो गए। वाह माइकल भाई, वर्कशॉप तो बहुत बड़ा है, 3 तो लिफ्टर लगे हुए मेरे भाई। हाँ ये है, ये सारा सामान है, चलता खुला हुआ है अभी भी, लेकिन ये ज़रा देखो गाड़ियाँ आई नहीं। नहीं नहीं चलाने का तरीका होता है, मैंने इस बंदे से एक दफ़ा गाड़ी का काम कराया, इसको काम करना नहीं आता, तू जानता है। हाँ वो दाढ़ी वाला ना, उसका एन आई है। हाँ हाँ, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या नाम था शहजाद। शहजाद उसको शब्बो करते थे। हाँ शब्बो बोलते थे, वही इसी का वर्कशॉप है। कद्दू चलाना नहीं आता साले से, ट्यूनिंग करा लो तो 8,000 रुपये मांग लेता मेंटेनेंस। दो नॉर्मली कोई 2,500-3,000 की होती है, अगर उसमें ऑयल पैकेज ना हो तो। ये वर्कशॉप है चाचा, और ये एक ऑफिस बना हुआ है, ये एक ऑफिस है, ये तुम देख लेना। ये खुल नहीं सकता क्योंकि ये बस ये क्यों नहीं खोल सकता?
ये देख लो ना बाद में, ये सामने से बहुत सारा कलर कराना पड़ेगा, शाफ्ट उठना और इसमें चेंजेस करनी पड़ेगी मेरे बेटे, बहुत पीछे भी बहुत बड़ी जगह है। हाँ हाँ ना, अच्छा दिखाओ दिखाओ मेरे बेटे, आओ ये देखो। अबे ये साला क्या गाड़ी है, अरे वाह ये किसकी है? ये उसी ये शहजाद की। वाह अपनी गाड़ी तो देखकर हल्ले कैसी बना के रखी हुई है। ये देखो ये सारी जगह है, ये पीछे का एरिया कबाड़ खाना, जो स्क्रैप स्क्रैप करना है यहाँ कर लो। अरे शकुर, नहीं नहीं वाली, अबे हाँ शकुर। हाँ कौन शकुर? अबे हाँ तो शकुर पे कितना मिल रहा है? मिल रहा है नहीं शकुर। कौन शकुर भाई? मेरा नाम उमेर है। हाँ ठीक है। अरे नहीं काटा साला काला शकूट में मिल रहा नहीं। ये है और ये जगह है, ये देखो ये बंद पड़ी हुई है, अभी चाबी नहीं है इसकी। और चलो फलांग मार लो इधर आ जाओ। अबे अबे कहाँ छोड़ रहे हो तुम, आ जाओ ना आ जाओ। अरे ऐसे कैसे आ जाओ मेरे बेटे, हम घूम कर आ गए। अजीब हो तुम लोग यार, मैं कूद गया तो टू पागल हम थोड़े। आ गया गया वापस आ गया। अबे माइकल भाई पैदल चल लो, मैं नहीं चढ़ सकता मेरे बेटे, रोजा लगा रहा वैसे बहुत है। ये इतना बड़ा वर्कशॉप है, जगह अपनी है? हाँ जगह अपनी है। बिल बिल चढ़ा भाई? नहीं नहीं बिल वगैरह सब क्लियर है, बस देख लो अपने हिसाब से, जिसको रेनोवेट करना जो जो सामान चाहिए वो सब तो मैं दिलवा दूंगा। सामान तो लगेगा मेरे बेटे, सामान तो लगेगा। अरे इतनी कॉर्नर की दुकान है साली, चल क्यों नहीं रही? बताया था इसको काम करना नहीं आता, एक भी वर्कर तो उसने रखा हुआ नहीं है, है ना माइकल भाई? हाँ वर्कर एक भी नहीं रखा हुआ उसने। ले लो मिले हो यहाँ वाली, ले 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 ले, परसेंटेज की बात कर माइकल भाई से। ये लाइटें वाइटें सब खराब हुई हुई हैं, रात में नहीं खोलती मगर क्या बंद, कद्दू चले गए थे वर्कशॉप। अच्छा तुम ये बताओ कितना परसेंट लोगे? 50-50 कद्दू मेरा 50-50। उसमें तो मेंटेनेंस भी तो निकालनी पड़ेगी ना दुकान के, तो 45-55 कद्दू बेस चाहिए तो बताओ, 20 में उससे ना ले लूँ? तुमको बहुत अच्छा मिल रहा होगा अभी बेस, तो फिर तुम बताओ कोई ढंग की ऑफर दे दो। काम करो तुम ले लो मेरे मेरे बेटे 30% कद्दू, 30-20 कुछ भी नहीं, 40-60 बस। अबे माइकल भाई यार ज़्यादा हो जाएंगे यार। तो सही है ना, 50 तुम लोगों का 40 मेरा, 10 गाड़ी और दुकान की मेंटेनेंस। बात तो सही है, कद्दू सही है। नहीं ना 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 चीज सही है। नहीं 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 फिर रहन दो। अच्छा अच्छा मेरी बात सुन। हाँ बोलो। टिल 35 ना 40-60 बस, जिसमें से 10% तुम लोग खाओ या दुकान की मेंटेनेंस निकालो, 50 तुम्हारा। अरे यार ये तो कम है यार माइकल, 3 बनने तो सही है ना, 20-20-20 अभी उस 50 में से 20-3 इससे कैसे सलेम? वो साले हम लोग आपस के लोग हैं यार, हम लोग वर्कर्स छोड़िए क्या सैलरी, हम लोग परसेंटेज बांटेंगे ना। ये तुम लोग ही फटी गए यार। अभी देखो देखा जाए तो 6 बनने हैं इस टोटल। कौन से? मैं तुम यूसुफ फारूक और सलेम, 6 हो गए। अभी 20-20 भी करें तो भविष्य नहीं बन रहा, तो अब मैं 20 लूँगा मुझे बचेगा क्या? जगह भी तो मेरी अपनी है। तो तू काम भी तो नहीं कर रहा, 30 ले ले जान छोड़ा। देख 70 बचेगा, 70 में से 35-35 हम चार बांट लेंगे, उसमें तभी हम दुकान का मेंटेनेंस निकाल लेंगे। तेरे को फिर भी ज़्यादा आ रहा 5%, तेरे को फटिक भी नहीं है। हाँ ना यार माइकल भाई, देखा जाए तो देखो 1,00,000 का है महीना अगर प्रॉफिट में, तो 35,000 रुपये तेरे को बचेगा, जिसमें से 75,000 रुपये में से 65,000 रुपये तो हम लोग हिस्सा बांटेंगे, उसमें दुकान का मेंटेनेंस भी जाएगा, सब जाएगा मेरे बेटे। सही है माइकल भाई, देखा जाए तो। चलो ठीक है फिर ऐसा कर लेते हैं। हाँ ना चलो आ जाओ फिर आ जाओ। अब ये बता देना मेरे को, ये इसमें काम कब से शुरू करना है? तुम जब मर्जी तुम बता दो, मुझसे पैसे ले लो, इसके मेंटेनेंस के वगैरह कलर वगैरह के सामान वामान के मैं पैसे दे दूँगा। चलो ठीक है। ये अपना यशव, ये बता अपना ये दुकान पर कितना खर्चा आएगा? मेरे को क्या पता, तो पटा करना लांटी के बच्चे थे इसलिए तो पूछ रहा हूँ। दुकान पे कलर वालर का तो मेरे को नहीं पता, सामान इसमें तकरीबन जो है देखना पड़ेगा, सारे टूल लाने पड़ेंगे, तो कोई 50-60,000 के तो टूल आ जाएंगे। और तू देख अरे लांटी अंडा हो गया क्या? ओए तेरे को 20% दूंगा, 30% के आड़ में नशे में आ गई है। चुप कर यार, 50-60,000 का सामान आ जाएगा बाली, कम से कम 50-60,000 रुपये तो कलर वाला ले लेगा। पागल हो गया क्या? तो सही तो बोल रहा है, लांटी बिल्डिंग तो कितनी बड़ी है। ये भी हाँ, ऊपर से ये लिफ्टर विफ्टर भी चेक कराने पड़ेंगे, जाम है क्या है सब साफ सुथरे कराने पड़ेंगे, दुकान अंदर ऑफिस खोलना पड़ेगा तो ऑफिस सही कराना पड़ेगा। ये भी फ्रंट गेट लगवाने पड़ेंगे। तो तुम्हारे अंदाज से कितना? कम से कम 5-6 लाख रुपये तो लगेंगे। 5-6 लाख? अच्छा
तभी बोल रहा माइकल भाई, दुकान को एक शेप में लाना है, एक लुक में लाना है। जितनी अच्छी होगी उतना अच्छे कस्टमर आएंगे, फिर हिसाब से जो माहौल होता है दुकान का उससे भी कस्टमर पर फ़र्क पड़ता है। हाँ ये तो है, तो जितनी अच्छी लगेगी ना तो लोग बोलेंगे उतना ही प्रोफेशनल काम यहाँ पे होता है, उसी वजह से लोग आएंगे फिर। चलो कोई नहीं, मैं करा लूँगा, बस तुम लोग कोशिश करना भाई कि 5-6 के अंदर ही रहे। हाँ उसकी तो टेंशन नहीं ले, उसका पर नहीं जाएगा, जाएगा भी ज़्यादा 50 क्या है, 1 लाख रुपये जाएगा, 7 लाख तो साले तेरे सामने खर्चा होगा, देख लियो तू, अपने हाथ से पैसे दियो लोगों को। चलो ठीक है कर लेंगे, आना बातें कर रहा मेरे आगे मेरा बेटा। ठीक है फिर कर लेंगे हम लोग, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। हाँ ना साले देख ले। और ये कितने दिन तक ख़त्म होगा काम? ये मेरे बेटे ये कम से कम 10 दिन तो लग जाएंगे, इसको ईद से पहले ख़त्म करो क्योंकि ईद पे कस्टमर्स आते हैं, गाड़ियाँ सही करवाने, VIP सर्विस ट्यूनिंग चलेगी। हाँ ये तो सारा काम करना। सारा काम क्या मेरे बेटे? AC वगैरह काम तुम लोग नहीं करते, मैंने नोट करा। अरे AC वगैरह काम गाड़ी का बिल्कुल अलग है, उसका कस्टमर नहीं है, शकूर को आता है ना वो भी। अरे शकूर तो मार्केट से शायद चल रहा है, उसके अम्मा अब्बा मन नहीं रहा, वरना साले को गोद ले लूँ। अबे वाली कैसी बातें कर रहा है मेरे भाई, हाँ ना जब फ़ोन करो अम्मा अब्बा बीमार है, अम्मा अब्बा बीमार है, तो कोई और बंदा हायर कर लो। हाँ वो तो ढूंढ ही लेंगे, चलो फिर देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है मेरे बेटे। हाँ ना कोई बंदा देखो जो इस काम का एक्सपर्ट हो। ठीक है मेरे बेटे, तुम पैसे दे देना, ये पुलिस वाले को देख कहाँ खड़ा हुआ है, नज़र रख रहा और क्या।